शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। साल 2021 में धनिए की कीमतें नीचे में 5500 तक देखने को मिली थी, जो कि अब 2022 में 11000 के भी बाहर पहुंच चुकी है। 2021 के मुकाबले 2022 में धनिए की कीमतों में लगभग दुगना उछाल देखने को मिला है। जिस तरह से धनिए की कीमतों में उछाल आया है, उससे निवेशकों और कारोबारियों को उम्मीद धनिए से और भी ज़्यादा उनकी बढ़ गई है। बात करें अगर फंडामेंटल्स की, तो धनिए के फंडामेंटल्स ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। इस बार धनिए की बुआई कम हुई है और उत्पादन कम ही बताया जा रहा है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक धनिए की कीमतों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है, फंडामेंटल्स भी मजबूत ही रहे हैं। कम बुआई, कम उत्पादन और कम स्टॉक के चलते कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। शिपमेंट की लागत ज़्यादा होने के चलते एक्सपोर्ट डिमांड उतनी नहीं उठ पा रही है जितनी उम्मीद थी। लंबी अवधि में धनिए में तेजी का ही रुझान है। जून जुलाई तक धनिया 18000 तक के स्तर दिखा सकता है, लेकिन लंबी तेजी के लिए मौजूदा स्तरों से धनिए में मुनाफा वसूली बननी चाहिए। धनिए की कीमतों का 9000 से 9200 तक का आना जरूरी है। अच्छी तेजी के लिए धनिए की नई आवकों से हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिले और मार्केट थोड़ी नीचे जाए, लेकिन ओवरऑल रुझान धनिए में तेजी का ही रुझान बना रहा है। मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का मानना है कि धनिए में आगे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो धनिए अच्छी तेजी की ओर लेकर जाएंगे। धनिया काफी अच्छा रिटर्न देता नजर आ सकता है। अमित सजेजा के मुताबिक कुछ दिनों तक धनिए में एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है, जो कि 10,600 से लेकर 11,300 तक का रहेगा। वहीं आने वाले 2 से 3 हफ्तों में धनिया 12,000 तक के स्तर दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।